नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक्चुअली एक डाउट आता है हमेशा कि क्या मुझे सीएमए कैंपस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तो अगर आपके दिमाग में भी ये डाउट है तो आपके लिए राइट वीडियो है। आपको ये वीडियो जरूर, कंप्लीट वीडियो आपको देखनी चाहिए। एंड अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका सिंगल क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन बटन गिव मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड आई विल रिकॉर्ड मोर वीडियोज फॉर यू। सो हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स के ऊपर। देखो, जो कैंपस प्लेसमेंट में आती है ना, बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है एंड मल्टीपल फेज भी होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। सो सारे फेज में अलग अलग टाइप की कंपनीज आती है, उनके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कैंपस प्लेसमेंट आपको वन टाइम ही अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अभी क्वालिफाई किया हूँ, अगर मैं इस अटेम्प्ट के कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ तो फ्यूचर में मैं किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इसके बाद बात करते हैं हम प्लेसमेंट में क्या चांसेज है सिलेक्शन होने की अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे। देखो, अगर अभी सारे प्लेसमेंट अब ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन कोई प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो जो मैंने इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स भी पढ़े हैं, तो ऑफलाइन प्लेसमेंट में आपको 4 कंपनीज में ही पार्टिसिपेट करना है। आप सारे कंपनीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो भी आप 4 कंपनीज में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो मैंने देखा है आईटीसी की, आईटीसी में जो उनकी क्राइटेरिया है उसमें उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, उन्होंने बस सीएमए क्वालिफाइड लिखा है। इसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज है जो सीएमए क्वालिफाइड को हायर करती है। फर्स्ट अटेम्प्ट की क्राइटेरिया कहाँ कहाँ है, लाइक पीएसयूज में, इसके बाद वेदांता हो गई, आरईसी हो गई, एंड कुछ आरईसी नहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड कुछ और भी कंपनीज है, वहां भी है ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्राइटेरिया। बट ये क्राइटेरिया सारी कंपनीज में नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए तो आपका कैंपस नहीं होगा, आपको एक भी कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं। आपके चांसेस होंगे डेफिनेटली, आपको हो सकता है एक कंपनी में मौका मिले, दो कंपनी में मौका मिले, बट मौका मिलता जरूर है। डिपेंड करता है आपने किस तरीके से अपना रिज्यूमे बनाया है, आप किस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज हर एक कंपनी की एक फिल्टर करने की क्राइटेरियाज होती है। कुछ कंपनीज एक्सपीरियंस के ऊपर भी जाती है, लास्ट डे ओपन कैंपस भी होता है। कुछ कंपनीज क्या करती है, ओपन कैंपस में पार्टिसिपेट करती है, वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं होती, लास्ट डे आती है, रिज्यूमे लेती है सारे बच्चों की एंड उनके बेसिस पे इंटरव्यू लेती है, सिलेक्ट करती है। तो बहुत सारे टाइप्स की कंपनीज आती है एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट सैलरी पैकेज भी ऑफर्ड किए जाते हैं, तो ये सारा कुछ है। तो मेरा पर्सनली यही सजेशन होता है, देखो 4,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है, आप मार्केट में भी जॉब सर्च कर रहे हो, राइट, आपको आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए आपको जॉब तो कहीं ना कहीं करना है, तो आपको अगर 2-3 कंपनीज में भी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कैंपस में पार्टिसिपेट करते हो तो 100-200 स्टूडेंट आपके साथ और भी कैंपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका वहां पे एक नेटवर्क बनता है, क्योंकि कल को वो बच्चे किसी ना किसी कंपनीज में जाएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी जॉबलेस रहेगा। हाँ, हो सकता है कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने टाइम ले सकता है, लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं जॉब लगेगी, हर किसी के कहीं ना कहीं से कैरियर जरूर स्टार्ट होता है। आफ्टर डेट होगा क्या, जब आपके एक नेटवर्क चैन बन जाएगा तो कल को फ्यूचर में आपको कंपनी चेंज करना है या फिर जॉब चेंज करना है तो वो सारे बच्चे आपको हेल्प करते हैं। मेरे साथ भी ये हमारा आज भी वो ग्रुप है 2018 पास आउट का, जिसमें अप्रोक्स 100 स्टूडेंट्स हैं एनआईआरसी के, तो उस ग्रुप में लोग वैकेंसी डालते रहते हैं, धीरे धीरे सब कंपनी में अलग अलग लेवल्स पे मूव ऑन होते हैं और उस तरीके से उनके पास उस तरीके से वैकेंसीज भी आते रहती है। तो इंटरनल रेफरेंस भी होता है, आप सबको पता है कंपनीज में एंड 70% से ज़्यादा वैकेंसीज इंटरनली फिल हो जाती है हर एक कंपनीज में, हर एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होता है रेफर करने का। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मेरा पर्सनली यही सजेशन रहता है कि आप कैंपस में जाओ, पार्टिसिपेट करो, प्रिपेयर करो चीजों को, लोगों से बातें करो, जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने नेटवर्क बनाओ कैंपस में रिसेंटली क्वालिफाइड सीएमएस के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। एंड आप भी अगर कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में
मैं एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें हम रिज्यूम से Naukri.com, LinkedIn ऑप्टिमाइजेशन सारे कुछ हम कवर करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे नोट्स, PDFs, फाइल्स, सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। लाइव ट्रेनिंग होती है एंड अमाउंट बहुत ही डिस्काउंटेड है, आप उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।